देखिएगा इस बारे क्वेश्चन में हम किस तरह से समझ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से जस्ट एक मिनट इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर बीच में कोई दर्पण दिया हो, ठीक है ना, बीच में अगर कोई दर्पण दिया हो, दर्पण वाला क्वेश्चन हो, या नीचे कोई जल दिया हो, नीचे जल प्रतिबिंब बनता है, साइड में दर्पण प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। ये हो गया दर्पण आप लोगों का, यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, मैंने सिर्फ दर्पण बताया, इसमें क्या समझोगे यार, ठीक है ना। अब उसके बाद में बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि क्या होगी, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। चलिए ठीक है सर, चुनते हैं, एग्जामिनर का तो मानना ही पड़ेगा। अब देखिएगा मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, ये एक दर्पण की आकृति बना दी मैंने ऐसे करके, ऐसे ये मैंने एक इधर वाला खाली छोड़ दिया और इधर वाले में मैंने छाप दिया क्या, प्लस और भाग के दो चिन्ह, ठीक है ना। ये खाली है, ये भरा हुआ है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर ये आकृति में ये छवि अगर मैं दर्पण के इस पार बनाता हूं तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि इधर साइड में आप लोगों का क्या हो जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा भाग, फिर उसके बाद में आ जाएगा प्लस, अब देन आफ्टर दैट खाली वाला चला जाएगा पीछे, जो पास में है वो पास में आ गया, जो दूर था खाली स्पेस वाला वो दूर पहुंच गया। ये दर्पण का रूल्स रेगुलेशन कॉन्सेप्ट आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंपली आपको फॉलो करना है, जो पास वाली चीज़ है वो पास में दिखेगी, जो दूर वाली चीज़ है वो दूर दिखेगी, ये दर्पण के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है सर एक नल की टोटी बनाई हुई है, ठीक है, नल की टोटी, ये मैंने बना दी सर नल की टोटी, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि नल की टोटी को अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो किस प्रकार की दिखेगी, चलिए देखते हैं सर किस प्रकार की दिखेगी। ये मैंने बीच में दर्पण भी काट दिया, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया था, मैंने आप लोगों के लिए बताया था जो चीज पास है, ये टोटी जो जहां से जल रिसाव होगा, यहां से जल टपकेगा, वो वाली जस्ट यहां पास में दिखेगी आपको, बाकी चाहे दुनियादारी जाए कहीं भी, ये टोटी पास में आपको दिखेगी। अब देखो टोटी पास में कहाँ दिख रही है सर, ये टोटी दूर है, यहाँ पे टोटी उल्टी कर दी है, यहाँ पे टोटी ज़्यादा उल्टी कर दी है, तो ए इज द राइट आंसर, इसमें टोटी पास में है, जो चीज़ पास में होगी वो पास में दिखेगी, जो दूर होगी वो दूर दिखेगी। अब दूर की बात कर लेते हैं, ये वाला जो एक पीछे वाला जो डंडा है, ये वाला पीछे वाला डंडा जो सबसे दूर दिखेगा, तो यहाँ पर भी तो सर पीछे वाला डंडा सबसे दूर ही तो दिख रहा है, बाकी दर्पण प्रतिबिंब में फिगर कभी उल्टी सीधी नहीं होती है, एज इट इज जैसी होगी एकदम से बदलाव मार जाएगी, जैसे यहाँ पे ये मैंने कुछ रखा, यहाँ से सीधा ऐसे करके पलट दो उसको, सिर्फ पलटा जाता है, ना कि गोल रोटेट आप घुमा सकते हो, इसको रोटेट घुमा दिया, इसको रोटेट घुमा दिया, ठीक है ना। इसमें से उसमें से एक हमें चूज करना था, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो चीज़ पास में होगी वो पास में दिखेगी, आप लोग देख सकते हैं, जो चीज़ दूर होगी वो दूर दिखेगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।